नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूरी दे दी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कल काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने पहली पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर बॉर्डर मैनेजमेंट, दाखिली सिक्योरिटी और दीगर अहम उमूर पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास में विफाकी वज़रा परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फवाद चौधरी, शौकत तरीन, शीरी मजारी और असद उमर ने शिरकत की। इजलास में मुसल्ला फौज के सरबराहान और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में पॉलिसी की मंजूरी की तस्दीक करते हुए बताया कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कल काबीना के इजलास में पेश की जाएगी।